बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरजराज, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीकॉम सेकंड ईयर में है, तो ध्यान से देख लीजिए। बीकॉम सेकंड ईयर का ये पेपर है और ये पेपर CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का है, मतलब कि मेरठ यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। तो आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपको ये तो पता होगा कि सिलेबस सभी का एक जैसा है। तो आप चाहे MJP आर्य रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि देखिए ये जो पेपर है वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पेपर है, आपका देख सकते हो। और ये पेपर से में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को आप एक बार करके जाएंगे, सभी लोग सॉल्व कर लेंगे इस पेपर को पूरा, जिन छात्रों का बीकॉम सेकेंड वालों का पेपर होने वाला है, ठीक है। 2022 का आप पेपर देख रहे हैं, सबसे बड़ी खबर है आपके लिए जो क्वेश्चन में बताए थे वही क्वेश्चन आए हैं पेपर में, कुछ बाहर नहीं आया है। आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप एक हमारी वेबसाइट का लिंक जिसमें दे रखा है paperhacker.in, आप paperhacker.in सर्च कर लेना, गूगल पर सर्च कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है paperhacker.in, उस पर आप टच करेंगे तो आपको सारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे कुछ नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। जिन छात्रों के क्वेश्चन MCQ बन रहे हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी क्वेश्चनों को देख के जाए, हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हाँ सुन लीजिए सभी लोग, प्लेलिस्ट भी वहीं आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी आपको वहीं मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर paperhacker.in। जिस क्लास के छात्र हैं उस क्लास वाले पर बटन पर टच करिए, जैसे कि BA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो BCom फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो उस पर आप टच करेंगे, और टच करने के बाद में नीचे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट भी आपको वहां मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप टच करेंगे तो आप सीधे यूट्यूब पर पहुंच जाओगे, यूट्यूब पर सारी आपको वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट को सर्च करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको बढ़िया तरीके से पूरा वेबसाइट को बिल्ड किया है। अब बात करने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन 2022 के पेपर में आए हैं। ये पेपर 100 नंबर का हुआ था और 3 घंटे में आपको सोल्यूशन करना था। अब यहां देख लीजिए आपको जो सेक्शन की बात की जाए तो ABCDE सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन नंबर ए में शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, सेक्शन बी में और CD में, ई में आप देख सकते हैं ये आपको आंसर देने होंगे, और आपको कोई 2 क्वेश्चन कर अटेंड करना है, ठीक है। अब यहां मैं दिखा देता हूं, नहीं 1 क्वेश्चन अटेंड करना है, जैसे कि आवासादा ई, ठीक है, 5 खंड यहाँ क्वेश्चन है, आ खंड में शॉर्ट क्वेश्चन है और लघु उत्तरी प्रश्न है जिसमें 10 भाग हैं, ये सभी 10 भाग अनिवार्य हैं, मतलब कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको करना है शॉर्ट में। और वाशादा ई जो विस्तृत आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किसी 1 प्रश्न का आपको आंसर देना होगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा 1 क्वेश्चन में, और आपको लगभग मैं आपको बता दूं 4 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में करना है, 1-1 क्वेश्चन करोगे, 8 क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, 4 क्वेश्चन करना होगा, वहीं आपको टोटल 14 क्वेश्चन करने वाला, 18 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामर, और इसमें से 14 क्वेश्चन करने होते हैं, 14 से 15 क्वेश्चन हर पेपर में आपको करने होंगे। अब चलो देख लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों में, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन बने थे। तो पहला क्वेश्चन है और प्रत्येक जो अंक होगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करोगे 40 नंबर मिलेंगे। देख लीजिए, देखो यहां बोला गया है उद्यमी बनाम प्रबंधक कौन होता है, इंटरप्रेन्योर VS कह सकते हैं मैनेजर कौन होता है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया वो है नियोजन की सीमाएं, ये क्वेश्चन सारे हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, वही फंसे हैं, कुछ बाहर नहीं गया है, ठीक है। आप देख सकते हो रिपोर्ट की विशेषता क्या होती है, आप ये बता रहे हैं, परियोजना की परिभाषा प्रोजेक्ट है उसको आपको डिफाइन करना है, परिभाषा बतानी है, और यहाँ देखिए ऋण पत्र क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन हमने आपको इंपोर्टेंट दिए थे, वही क्वेश्चन फंसे हैं, कुछ भी बाहर नहीं गया है। यहाँ देख सकते हैं बीज पूंजी का अर्थ क्या होता है, आप ये बता सकते हैं, अभिप्रेरणा एक मानव कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक तत्व है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। और यहाँ देखिए यहाँ बोला गया है नवाचार और आविष्कार में आपको अंतर बताना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए एक बार सभी लोग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उद्यमिता, ठीक है, विकास क्रम जो कार्यक्रम की परिभाषा आपको बतानी है, और अतिशायद स्वराज कह सकते हैं स्वरोजगार होता है, उसका कार्यक्रम क्या होता है स्वरोजगार का, इन इन 10 क्वेश्चन आपको करने थे, 4-4 नंबर के हिसाब से आपको 40 नंबर के हो जाते हैं। अब सेक्शन नंबर BCDE में जाएंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 क्वेश्चन करना होगा प्रत्येक सेक्शन में, 15 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर बी में हम जाते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और पहला क्वेश्चन बोला गया है क्या उद्यमी गुणों का एक पैकेज है, विवेचना कीजिए, यहाँ बोला गया है, यहाँ क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ इसको पढ़ के कि क्या
उद्यमी गुणों का एक पैकेज है, ठीक है, ये आपको क्या बताना बेटा, विवेचना करनी है, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन ना कर सको तो इसका अधवा वाला क्वेश्चन कर लेना। अधवा क्वेश्चन है उद्यमिता की परिभाषा, उद्यमिता की परिभाषा बताने हैं और उद्यमिता का एक कह सकते हैं अवधारणाओं के बारे में बताना है। उद्यमिता की अवधारणा क्या होती है और परिभाषा, ये आपसे पूछा गया है। सेक्शन नंबर सी में आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। ये सारे क्वेश्चन हमने बताए थे, कुछ भी बाहर नहीं आया है। अब यहां देख सकते हो, ये क्वेश्चन की बात की जाए सेक्शन नंबर सी में, तो यहां बोला गया नेतृत्व संबंधी गुणों की विवेचना करनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद में यदि वो क्वेश्चन ना कर सके तो इसका अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, एक नवीन उपक्रम की स्थापना कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, समझाइए, इन अवस्थाओं में बताना है। वही सेक्शन नंबर डी की यदि बात की जाए तो सेक्शन नंबर डी में आपसे पूछा गया है स्वर्ड विशेषण क्या होता है, उसके विशेषण के बारे में विशेषण लिखिए। यदि आप ये क्वेश्चन ना कर सके तो परियोजना का उद्देश्य क्या होता है, उनके महत्व पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं बड़े आराम से सर, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए। सेक्शन नंबर ई में यदि पहुंच जाते हैं तो यहां बोला गया है स्थायी पूंजी का क्या आशय, मतलब स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, परिभाषा बताना है, और स्थायी पूंजी की मात्रा निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। यदि वो ना कर सके तो इसके अधवाला कर सकते हैं कि जो कह सकते हैं उद्यम पूंजी के उद्गम एवं विकास का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन आपके 2022 में आने वाले जो हमने दिए थे वही क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे छपे हैं, मतलब कि आपके बड़े आसानी से बात की जाए तो 95% यहाँ प्लस फंसा है, ठीक है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो पेपर हैकर से ही पढ़िए, बाकी किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।